हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अनअकैडमी वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जो आज का सेशन है, यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में काफी बार आते हैं। तो स्टार्ट करें थे दोस्तों दोस्तों सेशन को, और एक बार सभी बच्चे इस सेशन को यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएगा, इसमें आप लोग को बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अनुराग है और मैं आप लोग को दोस्तों अनअकैडमी में SSC कैटेगरी में जो जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट है ना, वो पढ़ाता हूँ। और ये मेरा कोड है दोस्तों ANG10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो किसी भी कैटेगरी में। हेलो शिमो, हेलो मोहित। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें, एवरी संडे आपका दोस्तों एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SSC कॉम्बेट। ये बेसिकली एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जहाँ पर 1 करोड़ से भी ज्यादा की स्कॉलरशिप है। यहाँ पर आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मिनट का आपके पास टाइम होता है। और दोस्तों इसको आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से दे सकते हो यूजिंग दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो दोस्तों खुद को एनरोल करो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूज करो दोस्तों इन्वाइट कोड ANG10। तो दोस्तों जो बच्चे टॉप 3 में आएंगे उनको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आपकी रैंक 4 to 10 आती है तो आपको 75% का दोस्तों हम लोग बात करें तो स्कॉलरशिप मिलेगा। रैंक अगर आप 11 to 50 लाते हो दोस्तों तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलेगी। 51 से 500 पर 25% की। अगर आपकी रैंक 501 से 1000 आती है तो दोस्तों आपको 20% की स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। हेलो विनीत, हेलो नरेश। गाइस हम लोग बात करें तो 30+ बैचेस एवरी वीक आती है, 300+ क्लासेस एवरी डे होती है, 20+ इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे, 40,000 आवर का रिकॉर्डेड कंटेंट है, मतलब पुरानी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी और नई क्लासेस भी आपको मिलेंगी। हेलो कमलेश। इसके अलावा दोस्तों बात करें 20,000 से भी ज्यादा आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं। 90% से भी ज्यादा दोस्तों जो स्टूडेंट है उनका ट्रस्टेड है। और दोस्तों अभी मैं बता दूं, ये बैच बहुत जल्दी लाइव हो जाएगा, अभी लाइव होने ही वाला है। ये दोस्तों नया बैच है, फाउंडेशन बैच। इसका मतलब बेसिकली फाउंडेशन बैच मैंने एक लेकर के आया था तो इसका पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 है। और ये दोस्तों स्टार्ट होगा आपका 6 अक्टूबर से, और इसकी जो टाइमिंग होने वाली दोस्तों प्लस में ये होगी 4:15 PM पे, और यहाँ पर इंडियन पॉलिटी जो है वो चलेगी। आगे दोस्तों हम लोग बात करें तो 29 अगस्त से कुछ और बैचेस भी आए हैं, और अभी 6 अक्टूबर से दोस्तों और बहुत सारे बैच आने वाले हैं। तो एक सभी बैचेस को दोस्तों आप जो है लाइव देख सकते हो, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, हर एक लेक्चर का PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है गाइस, और अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हो। तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप अपने सारे के सारे जो है सब्जेक्ट कवर कर सकते हो, और मल्टीपल फैकल्टी के साथ में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। हेलो अमित। तो बेटा अगर हम लोग बात करें जो 1 ईयर की फी है वो है 6500, 2 ईयर की बात करें तो 7800, ये आपको पे नहीं करना है। यूज करिए दोस्तों कोड ANG10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिलेगा, और 1 ईयर की फी हो जाएगी 5850 दोस्तों, और 2 ईयर की हम लोग बात करें तो 7020 फी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों हम लोग हमारा सेशन, और देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हेलो नरेश, मिस्टर लाइव प्रतियोगी जोन सत्यम, हाँ जी। तो सत्यम बोल रहे यूट्यूब से एग्जाम क्लियर नहीं होगा क्या? बेटा बिल्कुल होगा, अगर आप एकदम अच्छे से डेडिकेटेड पढ़ो। बस आपको यूट्यूब में क्या करना पड़ेगा, अपना बस डिसाइड करना कि आपका कौन कौन सा टॉपिक रह गया और आपको कहाँ से पढ़ना है ना, तो यूट्यूब से भी हो जाएगा और वहां पर आपको अरेंज मैनर में मिलता है ना, तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्ला खान है, इनका जो संबंध है दोस्तों ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से था, या फिर दोस्तों बात करें कौन सा ये बजाते थे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गुड मॉर्निंग आशा, हेलो चौधरी, हाँ जी। तो दोस्तों हम लोग बात करिए, बहुत ही फेमस शहनाई वादक थे और ये एग्जाम में बहुत बार दोस्तों पूछे जाते हैं। बिल्कुल शहनाई एकदम करेक्ट है शालू। और हम लोग दोस्तों बात करेंगे, एक बहुत आता है मैंने देखा है दोस्तों संतूर, एक बहुत पूछा जाता है दोस्तों संतूर, संतूर को कौन बजाते थे दोस्तों? तो याद रखो ये शिव शर्मा जी हैं वो। तो आगे हम लोग क्वेश्चन से वैसे करेंगे, पर फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग बात करें दोस्तों तो शहनाई करेक्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। देन हितेंद्र देसाई दोस्तों, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, हालांकि आज ही हमारे बीच है नहीं, तो उसमें पॉलिटिशियन थे ये। एक बार यार पता नहीं क्यों रेलवे ने डाल दिया तो मैंने करा दिया, पर ये उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, पर क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो मैं करा दे रहा हूँ। जो लैरी प्रेजलर है दोस्तों ये भी पॉलिटिशियन थे, और ये दोस्तों पॉलिटिशियन थे कहाँ के, USA के, और ये इनके दोस्तों हम लोग बात करें तो काफी वर्ल्ड लीडर के साथ में काफी अच्छे रिलेशन भी थे, तो बस इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया गाइस, बाकी ये क्वेश्चन आता नहीं है ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अमिया चक्रवर्ती कौन है? डॉक्टर अमिया चक्रवर्ती मतलब अब तो नहीं है हमारे बीच, बट पहले ये कौन है? ओके आर्मी गर्ल रिसेट, आप लोग नए हो, जो भी बच्चे नए, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इस चैनल पर मेरी जो क्लास होती है वो मॉर्निंग में होती है 5:30 बजे, ठीक है, इस सेम चैनल पे 5:30 बजे होती है ये क्लास। तो बेटा बस आज के लिए है,
नहीं तो आपको 5:30 बजे वाली क्लास देखो, आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों अमिया चक्रवर्ती थी कौन, हम लोग बात करें, ये दोस्तों लिटरेसी सेक्रेटरी थी किसकी, रविन्द्रनाथ टैगोर के। तो रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों हम लोग जानते हैं, ये पहले एशियन है जिनको 1913 में, आप सभी जानते हो दोस्तों क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए, ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है। इसके अलावा दोस्तों इनकी कुछ बुक है जैसे कि गोरा हो गया का, आपका काबुली वाला हो गया, ये सब आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। अगला दोस्तों, स्पैरो का टाइटल किसे दिया गया था, बेटा इनको सब लोग स्पैरो के नाम से जानते हैं, और इनको मैं आपको बताना चाहूंगा महावीर चक्र भी मिला हुआ है, महावीर चक्र भी मिला हुआ है। आप जानते हो सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है दोस्तों वीरता का, वो होता है परमवीर चक्र, है ना, परमवीर चक्र। लेकिन इनके बारे में दोस्तों बात करें तो इनको मिला हुआ है महावीर चक्र, ठीक है। दोस्तों ये हैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। तो दोस्तों बाद में ये पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन करते हैं और इनको स्पैरो के नाम से जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। हेलो सिका संगीता, हाँ जी चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों लोग बात करें तो दोस्तों ये अब हमारे बीच नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया दोस्तों किसको बोलते हैं बताएं जरा, सुपर इंपॉर्टेंट है ना। तो गाइस ये हैं मिल्खा सिंह जी, और मिल्खा सिंह जी के जो बेटे हैं दोस्तों जीव मिल्खा सिंह जी, उनको दोस्तों लोग बात करें तो गोल्डन वीजा दिया है यूएई ने, तो इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन में स्टार लगा रहा हूं इनको आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लेना। अगला देखते हैं दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट जो अवार्ड होता है दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में हम लोग बात करें वो कौन सा होता है, तो दोस्तों आप जानते हो ये सबसे पहले दोस्तों 1969 में दिया गया था, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये दिया गया था देविका रानी को, सबसे पहला देविका रानी को, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं जो लेटेस्ट है वो दिया गया किसको, रजनीकांत को, लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो ये दिया गया रजनीकांत को, ठीक है। तो दोस्तों बताओ ये कौन सा अवार्ड है, लेटेस्ट हम लोग बात करें तो ये रजनीकांत को दिया गया, ये कौन सा है, हाँ बेटा जीव मिल्खा सिंह जो है वो गोल्फ खेलते थे, बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट बताया दोस्तों आपने, दादा साहब फाल्के अवार्ड, इनको दोस्तों बोलते हैं क्या ग्रैंडफादर या फिर दोस्तों फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी ये जाने जाते हैं, दादा साहब फाल्के। और ऐसा क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि जो इंडिया की जो पहली मूवी आई थी वो आई थी 1913 में, और उस मूवी का नाम क्या था दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी दोस्तों इन्होंने बनाई थी, हालांकि इस मूवी में दोस्तों साउंड नहीं था, और भारत में जो पहली साउंड वाली मूवी आई थी दोस्तों वो थी आपकी आलामारा, है ना, लेकिन ये भारत की पहली मूवी थी दोस्तों राजा हरिश्चंद्र, दादा साहब फाल्के इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अली अकबर खान कौन थे, अली अकबर खान तो दोस्तों ये बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है अली अकबर खान, ये बीच बीच में एग्जाम में आता रहता है, ये दोस्तों सरोद बजाया करते हैं। और दोस्तों फ्लूट के लिए एक बहुत फेमस कौन से बताओ, फ्लूट के लिए हरि प्रसाद चौरसिया, यानी कि बांसुरी के लिए दोस्तों ये काफी एग्जाम में आते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया, क्या बोलते हो, क्या आप लोगों ने देखा है इनको या नहीं, हरि प्रसाद चौरसिया को, है ना, बिल्कुल बेटा हाँ वो लेटेस्ट ही है, जो 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 आपको याद रखना है वो ही याद रखना, जो मैं आपको बताऊंगा ना अवार्ड जो याद रखने के वाले वही आपको याद रखने हैं, उससे अलग आप लोग मत करेगा, है ना। चलें गाइस आई थिंक इतनी बातें आप लोग एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, हरि प्रसाद चौरसिया आपके एग्जाम में बहुत आता है तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों एक बार हम लोग इस सेशन को एक बार आप लोग जरूर से जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा। आयरन मैन ऑफ इंडिया दोस्तों किसको बोलते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। आयरन मैन क्यों बोलते हैं दोस्तों, इनके डिसीजन के कारण, और बिस्मार्क ऑफ इंडिया में दोस्तों हम लोग बात करें तो इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने पूरे भारत को एक कर दिया था, 565 देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट दोस्तों उनको एक कर दिया था, ये भारत के दोस्तों पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ही बने थे, मतलब कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने थे, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग यही बताना है, ये फर्स्ट डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट दोस्तों होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री भी यही बने थे, ये कौन है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको सरदार का टाइटल 1928 में बारदोली की महिलाओं ने दिया था दोस्तों, लेकिन एग्जाम में आएगा तो गांधी जी लगा के आना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भाई। और सुनो आज से स्पेशल क्लास में मैं मिसलेनियस चालू कर रहा हूँ क्योंकि मिसलेनियस का जमाना है, तो वो हम लोग करेंगे। दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पे आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर देखने को मिलेगा, ये कहां पर मिलेगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में
और ये भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक भी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये भी आप लोग याद रखना। जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों दो बुक याद रखो, एक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री याद रखो, और दूसरा दोस्तों याद रखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये एग्जाम में आते हैं बेटा। चलिए, और हम लोग दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि पूरे देश को एक किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग बात करें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों 182 मीटर, आपको ये भी पता है। और इनका बर्थडे दोस्तों आ रहा है इसी महीने है 31 अक्टूबर को, जिसको हम लोग यूनिटी डे यानी कि एकता दिवस के रूप में मनाएंगे, ये बात भी आप लोग को बिल्कुल याद ही होना चाहिए, है ना। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों हम लोग बात करेंगे ओडिसी जो डांस स्टाइल है, ओडिसी दोस्तों एक क्या है आप जानते हो, एक क्लासिकल डांस है, तो इसकी एक काफी फेमस दोस्तों हम लोग बात करें डांसर इनमें से कौन नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग फेमस डांसर इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ ओडिसी, नहीं है। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो इनको तो भरतनाट्यम आता था, बात करेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, इनको दोस्तों ओडिसी नहीं आता था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भाई आपके नाम का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, नाम इतने फैला हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे यूज ना भी करूँ तो कोई दिक्कत नहीं, हर कोई जानता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चांदी प्रसाद भट्ट, चांदी प्रसाद भट्ट दोस्तों ये कौन थे, ऐसा सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों। चांदी प्रसाद भट्ट इंपॉर्टेंट नाम है, और सुंदरलाल बहुना जी के साथ में भी इन्होंने काफी काम किया है। तो दोस्तों ये हैं एनवायरमेंटलिस्ट एंड सोशल एक्टिविटीज, मतलब कि पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता, तो ये आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। चलिए चलिए दोस्तों, नीति आयोग के इस समय वाइस चेयरमैन कौन है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन दोस्तों इस समय है राजीव कुमार, यस और नो। और सीईओ दोस्तों कौन है अगर हम बात करें, तो ये है इस समय अमिताभ कांत, ये आप लोग को पता है। लेकिन अगर दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया जाए चेयरमैन कौन है, तो हमेशा चेयरमैन होंगे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग कब बना था, तो आपको याद होगा 1 जनवरी को बना था 2015 को, है ना। और फर्स्ट दोस्तों वाइस चेयरमैन कौन थे, अरविंद पनगरिया। और फर्स्ट सीईओ दोस्तों कौन थी, तो सिंदूसरी कुल्लर, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। देन दोस्तों इसको आपको मैच करना है, एमिनेंट पर्सनालिटी और उनकी फील्ड को दोस्तों आपको यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो दोस्तों देखो सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया वाले यहाँ पे नॉवलिस्ट दे दिया, रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या बजाते हैं बांसुरी यानी कि फ्लूट, है ना। दूसरा दोस्तों मैं बात करूंगा कपिल वात्स्यायन, बिल्कुल रॉन्ग है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो अमृत सेन है दोस्तों यही जो है एनवायरमेंटलिस्ट है, यानी दोस्तों जो केवल एक ऑप्शन नंबर वन जो है दोस्तों वो करेक्ट है, बाकी दोनों ही रॉन्ग है ना, बाकी दोनों रॉन्ग है बिल्कुल बेटा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो कि एक थिंक टैंक भी है ना, नीति आयोग, ये भी याद रखना। कभी कभी एक ऑप्शन आता है कि नीति आयोग क्या है, आप लोग को ऑप्शन दिया रहता है थिंक टैंक है। और पीडीएफ बेटा मैं अनुराग सराना अकेडमी पर बिल्कुल अवेलेबल करा दूंगा, डोंट वरी। अगला देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी बात जो है वो नेल्सन मंडेला जी के बारे में करेक्ट है, ही वॉज दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जी दोस्तों जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। और नेल्सन मंडेला डे दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो आप जानते हो हर साल 18 जुलाई को दोस्तों ऑब्जर्व किया जाता है, तो क्या ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, तो आंसर है जी नहीं। दूसरा, मंडेला स्पेंट 18 ईयर इन प्रिजन ऑफ रॉबेन आइलैंड, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इनको 18 साल के लिए जेल में डाल के रखा गया था। मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1990 आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, दोस्तों एक साल और लग जाएगा, है ना, यस और नो, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। वैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इनको भारत रत्न दिया गया था कब, 1990 में, इनको भारत रत्न मिला था 1990 में, ठीक है। तो केवल दोस्तों ने बात करेंगे ऑप्शन जो 2 है बस यही करेक्ट है। बेटा यहाँ पे करेक्ट पूछा है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है ना, तो केवल ऑप्शन 2 ही करेक्ट है, बाकी नहीं। देन जसपाल राणा दोस्तों ये कौन थे, जसपाल राणा बेसिकली हैं बेटा, बट अब ये नहीं खेलते हैं, ये बहुत ही फेमस दोस्तों शूटर थे, शूटिंग किया करते थे जसपाल राणा, बहुत ही फेमस। आगे बात करते हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंडक्टेड इनटू नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे जो रतन टाटा जी हैं, है ना,
तो इनको दोस्तों लोग बात के सम्मान भी दिया गया था, तो नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में दोस्तों, तो आप बोल सकते हो है ना, तो दोस्तों उनको मतलब एक सम्मानित किया गया है उसके द्वारा, आप ये याद रखना रतन टाटा को। और आपको पता है दोस्तों जो आपका इंडियन एयरलाइंस है उसको टाटा ग्रुप जो है वो ले रहा है, और पहले वो दोस्तों टाटा का ही हुआ करता था, फिर उन्होंने गवर्नमेंट को दिया था, अब गवर्नमेंट जो है उतना अच्छे से रन नहीं कर पाई, तो हम लोग दोस्तों बात करें तो वापस हो रहा है। अब ये दोस्तों आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, हरि प्रसाद चौरसिया जी, मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों फ्लूट यानी कि बांसुरी बजाते थे। अगला दोस्तों, एक फिल्म आई थी डकैत क्वीन फूलन देवी, इसके डायरेक्टर कौन थे, सोचो ये एनटीपीसी ने पूछा था, तो ये थे दोस्तों शेखर कपूर, करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखर कपूर फूलन देवी, ये दोस्तों सांसद भी रही थी, और शेर सिंह राणा ने दोस्तों इनके आवास के बाहर इनको जा करके गोली मारी थी, अगर आपको याद हो दिल्ली में, तो फिर है ना काफी कुछ मामला हुआ था, तो फूलन देवी के ऊपर दोस्तों मूवी बनाई गई थी, तो इनके साथ भी काफी गलत व्यवहार किया गया था, फिर उन्होंने बदला वगैरह भी लिया था, अब यही सब देखो जो है वो मूवी में दिखाया गया। अमजद अली खान, स्टार मार्क कर लेना बेटा, अमजद अली खान जो है वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे, अमजद अली खान, अमजद अली खान के बारे में दोस्तों बात करेंगे तो ये सरोद प्लेयर हुआ करते थे, अमजद अली खान इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट पर्सन आउट ऑफ टाटा फैमिली हु वॉज सेलेक्टेड टू हेड द टाटा ग्रुप आफ्टर रतन टाटा, टाटा परिवार के पहले व्यक्ति रतन टाटा के बाद टाटा समूह को नेतृत्व करने के लिए चुने गए थे, ये कौन थे, है ना, तो ये थे दोस्तों हम लोग बात करेंगे साइरस मिस्त्री, साइरस मिस्त्री। अगला दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक हमारा कौन सा आईआईटी है, आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज डेवलप द फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर, पहला दोस्तों हम लोग बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया जिसका नाम क्या है, रिसा इस्क, ये प्रोजेक्ट शक्ति के अंडर में बनाने वाला कौन सा दोस्तों लोग बात करें आईआईटी, तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये आपको कंप्यूटर वगैरह में देखने को मिलता है, जो प्रोसेसर प्रोसेसर आप करते हो ना ये वही है, जैसे कि इंटेल बनाता है प्रोसेसर है ना, तो कौन सा आईआईटी है हमारा दोस्तों जिसने प्रोजेक्ट शक्ति के अंदर में रिसा इस्क नाम का दोस्तों हम लोग बात करें तो अपना खुद का प्रोसेसर बनाया, और ये है आपका आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। अगला देखते हैं, एक्सरे की खोज किसने की दोस्तों, तो ये बच्चा बच्चा जानता है ना, डब्ल्यू के रॉड्सन, इसको कराने की जरूरत है नहीं, सुपर इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ पीक डिड फू दोर्जी द फर्स्ट इंडियन टू क्लिम विदाउट ऑक्सीजन, फू दोर्जी ने दोस्तों कौन सी पीक को जो है बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने का काम किया था, तो अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो ये थे माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, पंडित रविशंकर जो है दोस्तों वो कौन सा बात करें दोस्तों जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, तो ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये था सितार, पंडित रविशंकर का सितार। अगला मृणालिनी सारा भाई, दोस्तों ये किससे रिलेटेड है, मृणालिनी सारा भाई तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस भरतनाट्यम की डांसर है, ये आपको याद रखना है, और दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे और क्या देख सकते हैं, एक दोस्तों मैं आपको पूछूंगा कि ये वाला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है संतूर, ठीक है ना, संतूर आपसे पूछा था दोस्तों, जो संतूर है ये इसके बहुत अच्छे वादक कौन थे, तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते थे, और इनका नाम है शिव कुमार शर्मा, ये नाम मत भूलना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाम अगर आप छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है गाइस, बिल्कुल ठीक है। तो गाइस आज तो ये मैंने बस छोटा सा ही ले लिया, अब मैं आपके बताता हूँ क्लासेस के बारे में बता देता हूँ, देखो भाई बेटा मॉर्निंग में 5:30 AM पे मेरा एक लेक्चर होता है, वो लेक्चर अच्छा होता है, आपको काफी उसमें सीखने को मिलेगा, और ये लेक्चर दोस्तों होता है इसी चैनल पे यानी कि वाईफाई स्टडी पे, ये मॉर्निंग पे पहला लेक्चर हुआ। दूसरा दोस्तों जो लेक्चर होता है ये होगा आपका 8:30 AM पे, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, और ये करंट अफेयर जिस यूट्यूब चैनल पे होता है उस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है गाइस, इस यूट्यूब चैनल का नाम है नॉलेज 365, ठीक। देन दोस्तों हम लोग बात करें एक 6 PM पे एक यूट्यूब चैनल है जो हमारा है वाईफाई का ही है, वाईफाई स्टडी 2.0 दोस्तों, इसमें 8 से 10 मिनट का किसी भी एक टॉपिक पे एक शॉर्ट वीडियो आता है, जो तो 3 दोस्तों यूट्यूब के मेरे सेशन होते हैं, ठीक है।
अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये है स्पेशल क्लास और इस महीने की स्पेशल क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। और स्पेशल क्लास दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। और आज जो स्पेशल क्लास है दोस्तों 4 PM पे है और आप देख सकते हो पहली क्लास में ले रहा हूँ। तो गाइस आपको करना क्या है, SSC की कैटेगरी में सर्च मार लीजिएगा अनुराग सिंह, या फिर दोस्तों इस लिंक इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको मेरी क्लास जो मेरा जो प्रोफाइल है उसका लिंक मिल जाएगा। तो इस क्लास में दोस्तों एनरोल कर लेना यूजिंग द इनवाइट कोड ANG10 और उसके बाद फ्री में देख सकते हो स्पेशल क्लासेस को सभी फैकल्टी की, ठीक है। तो 4 PM पे दोस्तों हम लोग मिलेंगे अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में। बाकी दोस्तों ये वो यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब लोग को दोस्तों फॉलो करना, ये आपका नॉलेज 365। अभी यहाँ पे सिर्फ मेरे ही लेक्चर होते हैं, ये भी अनअकैडमी का ही चैनल है गाइस, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग अब चेंज हो गया है, आज से एक्चुअली चेंज हुआ है। इसका टाइमिंग है 8:30 AM और आज मॉर्निंग में 5:30 AM वाली क्लास भी आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा होगा। और गाइस अगर हम लोग बात करें, आप अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेस अवेल कर सकते हो यूजिंग कोड ANG10। आपको सभी कोर्सेज पर दोस्तों जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो 10% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी अगर रॉन्ग कंटेंट अगर आपको मिले दोस्तों तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका लिंक भी होता है। सभी बच्चों को मैं बोलूंगा दोस्तों सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कमलेश, महालक्ष्मी, संगीता, हैप्पी बिल्कुल बेटा, शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कमलेश, नरेश, महालक्ष्मी, अरविंद, सौरभ, सौम्य, आई होप दोस्तों मैंने आप लोग के क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो चलिए ठीक है, सेशन को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। सर वीकली करंट अफेयर, बेटा वीकली करंट अफेयर दोस्तों आएगा, आपका वीकली करंट अफेयर आएगा, लेकिन जो सितंबर का मैंने 3 वीकली करंट अफेयर बताए थे, लास्ट वाला मैंने नहीं कराया था क्योंकि मैं आपका 7 to 10 सितंबर के बीच, 7 to 10 अक्टूबर के बीच में मंथली करंट अफेयर भी वहां पे अपलोड करूंगा। और इसके अलावा जो है अक्टूबर का भी आपका वीकली करंट अफेयर आएगा, हर वीक के बाद आपका आएगा, या फिर हो सकता है 1 to 10 का एक साथ इस तरीके से मैं करूंगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।